हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षा किचन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दो मैंने बची हुई रोटी ले ली है, तो रोटी को इस तरह से उल्टा रख लेंगे और एक धारदार चाकू से इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स की तरह हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो दोनों रोटी मैंने काट के तैयार कर ली है। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम एक छोटी कटोरी बेसन डालेंगे और चम्मच से नापे तो ये 4 बड़े चम्मच बेसन होगा। तो सभी को डाल लिया है। अब एक हरी मिर्च डालेंगे और एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 4 चम्मच धनिया पत्ती डाल देंगे और एक उबला हुआ आलू जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है। अगर ये नहीं है तो इसके बिना भी ये नाश्ता बन सकता है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालकर सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये बैटर बना के तैयार कर लिया है, साइड में रख देते हैं। और 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे जिससे नाश्ता हमारा फ्लफी बनेगा। थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब नाश्ते के लिए बैटर तैयार है, रोटी भी तैयार है, तो एक रोटी का पीस उठाएंगे, इस तरह से हम बैटर में डिप कर लेंगे और गरम तेल में इसे डाल देते हैं। तो तेल मैंने पहले ही गरम कर लिया था, तो जितना नाश्ता हमारा आ जाएगा उतना हम सिकने के लिए डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है, तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। तो जैसे ही हमारा एक साइड से नाश्ता सिकता है, फोक की सहायता से इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैंने नाश्ते को सेक लिया है। तो इस तरह से छलनी में रख लेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाएगा। तो इसी तरह से सारे नाश्ते को छलनी में रखकर प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, प्लेट में निकाल लेते हैं। थैंक यू।